मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग के द्वारा आयोजित जन सहभागिता से वनों का संरक्षण अभियान के तहत वन प्रबंधक समितियों की एक दिवसीय कार्यशाला बागली मुख्यालय पर आयोजित की गई। वन विभाग SDO अमित सोलंकी की उपस्थिति में आयोजित की गई कार्यशाला में वन संरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं SDO सोलंकी द्वारा वन समिति के सदस्यों को समुदाय वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किस प्रकार से वनों का संरक्षण किया जाना है व समिति के सदस्यों को किस प्रकार से आर्थिक मजबूत बनाया जाना है, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में बागली रेंज के अंतर्गत आने वाली सभी समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण उपस्थित रहे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। समितियों के लिए जो संकल्प जिसका पुनरीक्षण अभी आया है मार्च 2022 में, जिसमें वन समितियों को अब सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के नाम से उसमें नए नए उनके अधिकार दिए गए हैं और उसमें जितने भी बदलाव आए हैं उसको लेके कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें अब जन सहभागिता से समितियों का और अधिक विकास होगा और अधिक उनका सहयोग प्राप्त होगा और जंगलों को और जंगलों के सुरक्षा को लेके और अधिक जैसे प्रयास या और जो भी वो किया जा सकता है उनमें उनकी मदद लेगी। सर, नई जो समितियाँ बनेंगी उसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? सभी समितियों का एक ही उद्देश्य है, वन संरक्षण, वनों को प्रोत्साहन देना और वन अपराध को कम से कम करना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।